जिस प्रकार से खट्टर साहब का रिएक्शन आ रहा है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। बौखलाए हुए, हार निश्चित दिख रही है। अब तो कुछ घंटों के ही प्रत्याशी बचे हैं, उसके बाद तो हारे हुए प्रत्याशी हो जाएंगे। एक अहंकार के घोड़े पर सवार होकर खट्टर साहब अभी भी जिस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं, आज के समय लोग इस प्रकार की बयानबाजी सामाजिक और राजनीतिक तौर पर स्वीकार नहीं करते। करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी नहीं करने पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने शिकायत पत्र के रूप में दिए प्रस्तुति में दावा किया है कि राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा व बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव एक साथ हुए, वहाँ चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारियों को EDC जारी हुए। उन्होंने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि करनाल लोकसभा व करनाल विधानसभा उपचुनाव भी एक साथ हुए, वहां मतदान में शामिल कर्मचारियों को EDC जारी नहीं किया गया, जो कि उनके अधिकारों का हनन है। हरियाणा की 10 के 10 पार्लियामेंट में से सिर्फ करनाल पार्लियामेंट के अंदर जो कर्मचारियों को EDC वोट का राइट होता है उससे वंचित रखा गया, उसी के खिलाफ आज हम यहाँ दरखास्त देने आए हैं। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को EDC के थ्रू और पोस्टल बैलेट के थ्रू दोनों माध्यम से वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन पूरे हरियाणा में सिर्फ इकलौती पार्लियामेंट करनाल पार्लियामेंट जहां पर इस वोट से कर्मचारियों को वंचित रखा गया, जिसकी वजह से काफ़ी कर्मचारी जो है वोट नहीं डाल पाए। EDC क्या है? EDC है कि जो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर हमारे जो अधिकारी हैं उनको राइट होता है कि बूथ के ऊपर जाके EVM मशीन में वोट डाल सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी करी थी, उन्हीं गाइडलाइन के मुताबिक आज हम यहाँ कंप्लेंट दाखिल करने आए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हरियाणा में सिर्फ करनाल की सीट पर ही ऐसा बर्ताव किया गया, और इसको लेकर हमने इनसे शिकायत दर्ज करी है, और इस शिकायत में हमने इनसे मांग भी करी है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी इस वजह से वोटिंग से वंचित रह गए हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न वोटिंग का इलेक्शन कमीशन के द्वारा उपलब्ध कराए। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने चुनाव आयोग में अंडर सेक्रेटरी KP सिंह द्वारा हस्ताक्षरित 26 अप्रैल के पत्र का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयोग को दिए प्रस्तुति में लिखा है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हरियाणा को आदेश देकर चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए कर्मचारियों को EDC जारी करने से रोका गया और उन्हें पोस्टल बैलेट से वोट के लिए मजबूर किया गया। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे हजारों कर्मचारी जैसे कि पोलिंग ऑफिसर, पुलिस, ड्राइवर, सफाई कर्मी, वीडियोग्राफर आदि को चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करने की जगह उन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव में अपना मत गिराने को लेकर बाध्य किया गया, जो उनके अधिकारों के खिलाफ है। करनाल की जनता और पानीपत की जनता ने जो है वर्डिक्ट अब तो EVM के अंदर कैद हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार का चुनाव रहा मैं 100% संतुष्ट हूँ, और मैं तो ये कहूँगा कि इस चुनाव को करनाल और पानीपत की जनता ने एक अहंकारी मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, और आप देख भी सकते हैं जिस प्रकार से खट्टर साहब बौखलाए हुए हैं, जिस प्रकार से अपने ही सरकार के कर्मचारियों पर उनका एतबार नहीं है, ये सीधा सीधा संकेत है कि 4 तारीख को खट्टर साहब लाखों वोटों के मार्जिन से हारने जा रहे हैं। जिस प्रकार से खट्टर साहब का रिएक्शन आ रहा है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। बौखलाए हुए, हार निश्चित दिख रही है। अब तो कुछ घंटों के ही प्रत्याशी बचे हैं, उसके बाद तो हारे हुए प्रत्याशी हो जाएंगे, और मनोहर लाल जी को कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से करनाल से हराने जा रहे हैं, और जो एक अहंकार के घोड़े पर सवार होकर खट्टर साहब अभी भी जिस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं, आज के समय लोग इस प्रकार की बयानबाजी सामाजिक और राजनीतिक तौर पर स्वीकार नहीं करते। हमने इन पर जो भी नेसेसरी इसमें एक्शन ECI को लगेगा हमने उसकी रिक्वेस्ट करी, और हमने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी वोटिंग से रह गई उसके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न किया जाए ताकि उनको भी वोट डालने का अधिकार जो रह गया था उनको भी वोट डाल सके। तो दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा है कि अगर एक भी चुनाव क्षेत्र के रहने वाले कर्मचारी व अधिकारी किससे अन्य पोलिंग स्टेशन पर तैनात होते हैं तो वो EDC के माध्यम से वहां वोट कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट की व्यवस्था केवल अनियंत्रित तैनात कर्मचारियों के लिए है, लेकिन करनाल लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव में तैनात कर्मचारियों के इस अधिकार का हनन हुआ है। तो ऐसे में दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कर्मचारियों के मत के अधिकार को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।